नमस्कार, आप देख रहे हैं INN 24। आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। सबसे पहले मुख्य सुर्खियां। छत्तीसगढ़ के कोरिया में दो मासूम बच्चे जिंदगी बचाने के लिए लगा रहे हैं गुहार। प्रदेश में चल रहे चिराई योजना के क्रियान्वयन पर उठे सवाल। उत्तर प्रदेश के आगरा में बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था, ऑक्सीजन की कमी के कारण मरीज ने तोड़ा दम। और बिहार में ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने केंद्र सरकार पर लगाया आरोप, कहा मोदी सरकार बिहार के मजदूरों को भूखे रहने और मरने को मजबूर कर रहे हैं। जिस उम्र में बच्चे हंसते खेलते दुनिया को जानने की कोशिश में लगे रहते हैं, उम्र के उसी पड़ाव में छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में दो मासूम बच्चे अपनी जिंदगी बचाने की गुहार लगा रहे हैं। जिले के आदर्श ग्राम बुढ़ार निवासी एक मासूम ने अपनी जिंदगी बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। वही मुख्यालय में रहने वाली आंचल प्रदेश के मुखिया से बेहतर उपचार की अपील कर रही है। महज 5 साल की उम्र में ऋतिक की हालत ऐसी है कि ना तो वो बिस्तर से उठ सकता है और ना ही बैठ सकता है। चलने फिरने और खेलने की बात ही दूर है। माता पिता की गोद इस नन्हे के लिए जन्नत है। जब कहीं परिजन जाते हैं तो इसे गोद में उठाकर ले जाते हैं। घर पर ये तो सिर्फ बिस्तर में ही पड़ा रहता है। भूख लगती है तो यह बोल भी नहीं पाता। परिजन आंखों में आंसू देखते हैं तो समझ जाते हैं कि इसे भूख लगी है। परिजन चाहते हैं कि बाकी अन्य बच्चों की तरह ऋतिक भी हंसे, खेले और पढ़े, लेकिन ऋतिक के गरीब माँ बाप उसका इलाज कराने में सक्षम नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है कि मासूम ऋतिक की जिंदगी को बचाने में कोई हाथ आगे बढ़ेगा या यूं ही इस मासूम को इसके हाल पर छोड़ दिया जाएगा। कुछ ऐसी ही कहानी बैकुंठपुर में रहने वाली 10 वर्षीय मासूम आंचल की है। आंचल जन्म के समय अन्य बच्चों की तरह थी, हमेशा खेलती मुस्कुराती आंचल से पूरे घर में रौनक रहती। लेकिन एक दिन आंचल की खुशियों को ऐसा ग्रहण लगा कि वह चलने फिरने तक के लिए मजबूर हो गई। कुछ दिनों पहले उपचार के लिए रायपुर ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने अपने हाथ खड़े कर दिए। ऐसे में अब आंचल के परिजनों को बेहतर उपचार के लिए प्रदेश के बाहर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में उपचार की जरूरत है। वही इस मामले में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही भी उजागर हुई है। जिले का स्वास्थ्य अमला घर घर जाकर दिव्यांग बच्चों की तलाश करता है। इन बच्चों को चिन्हित करने के बाद उन्हें उपचार के लिए चिरायु योजना के माध्यम से व्यवस्था की जाती है। लेकिन 4 साल के ऋतिक के मामले में उसके परिजन बताते हैं कि आज ना तो ऋतिक का कोई कार्ड बना है और ना ही कोई पहल हुई है, जिसके चलते आज तक ऋतिक का उपचार ही शुरू नहीं हो पाया। अब इन दोनों मासूमों के परिजन प्रदेश के मुखिया की ओर आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं कि वे उनके उपचार के लिए पहल करें, ताकि ऋतिक और आंचल भी अन्य बच्चों की तरह अपने कदमों से दुनिया नाप सके। मुझे गुड़िया के लिए शासन की ओर से कुछ मदद चाहिए था इलाज के लिए। मंत्री और उनके डॉक्टरों के पास भी अपन कर रहे हैं, मगर कोई कहीं से कोई पहल नहीं हो पाया है। अपना बोल तो रहे हैं, कुछ अपने पास कुछ मिला नहीं है। उनके बारे में रिपोर्ट भी नहीं मिला अपने को, और चिराई वाले ले गए रहे बिलासपुर, वहाँ से भी रिपोर्ट नहीं चुका है, इससे बता रहे हैं डॉक्टर साहब लोग। और रायपुर जाने के लिए बोल रहे थे, उसके बाद कोई समझे में नहीं आ क्या करें हम लोग। ये बचपन से नहीं थी, 3 साल के बाद इसको जब शुरू हुआ, पहले चलती फिरती थी, उसके बाद गिरने का बहाना हुआ, उसके बाद इसके पास धीरे धीरे कमजोर होते होते इसके शरीर टेढ़ा मेढ़ा हो जा रहा है और चल नहीं पा रही है। उस मदद के लिए शासन से हम लोग गुहार कर रहे हैं, कुछ मिल जाए मदद तो शासन की तरफ से, तो गुड़िया का इलाज हो जाए। बीमारी का तो पता ही नहीं बताते हैं सर, इसका कोई डॉक्टर भी जानकारी ये नहीं बताते हैं कि मतलब क्या चीज है। अंबिकापुर भी गया था, महेंद्रगढ़ गया था, एक बार बैकुंठपुर में, मतलब सभी डॉक्टर से दिखा चुका हूँ। सरकारी योजनाओं का फायदा जो है कि सहायता वगैरह कुछ नहीं मिला है जी। मंत्री जी के पास गया था तो बोले हैं कि भाई सहायता राशि मैं दूंगा, है ना, नाम वगैरह लिख लिया। नहीं, बच्चा सर चलने फिरने में असमर्थ है, बच्चा लेटा का लेटा ही रहता है ना, बचपन से ही मतलब ऐसा है। ये जो आप जिस बच्चे की बात कर रहे हैं, जो फोटो दिखाया आप, एक्चुअली ये जन्म से ही है, जब ये पैदा हुआ उस टाइम इसको ऑक्सीजन कम मिला, उसके कारण इसके जो सेरेब्रल पाल्सी बोलते हैं इस बीमारी को। और यहाँ पीडियाट्रिशियन 3 दिन आते हैं, तो बुधवार को आप ले आइए, बोर्ड से इनको दिखा देंगे मेडिकल बोर्ड से, और उसका विकलांग प्रमाण पत्र भी बना देंगे। और अगर रिफर करने बात हुई संजीवनी को, सो चाहे और जो भी व्यवस्था बने, हम उसके लिए जितना अच्छा से अच्छा हो सके उत्तम करने के लिए तैयार है। सर्वे होता है तो पता नहीं सर्वे कैसे छूट गया, उसे छूटना नहीं चाहिए थे।
छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले के जयजयपुर नगर पंचायत में अध्यक्ष पद के लिए उपचुनाव की वोटिंग जारी है। सुबह 8 बजे से मतदान शुरू हुआ है और शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी। अभी तक 45% से अधिक मतदान हो गए हैं। मतदान को लेकर लोगों में उत्साह भी दिख रहा है। बुजुर्ग लोग भी मतदान करने के लिए पीछे नहीं है। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। जयजयपुर में 15 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां 6338 लोग चुनावी मैदान में उतरे 7 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। चुनाव के परिणाम 21 जून को घोषित होंगे। वर्तमान में भी वोटिंग की जारी है। लगभग 25% अभी तक वोटिंग हो चुका है। 15 पोलिंग बूथ बने हुए हैं और अति संवेदनशील एवं संवेदनशील केंद्र बनाकर के पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की। 5 केंद्र इसमें अति संवेदनशील घोषित किए गए हैं, जहां पर भीड़ की ज्यादा होने की संभावना है। जहां पर 5 वार्डों का मतदान किया जाना है, वहां पर पर्याप्त पुलिस बल लगाया गया है। इसके अलावा प्रत्येक केंद्र को संवेदनशील घोषित किया गया है, उसी हिसाब से सुरक्षा व्यवस्था की गई है। साथ साथ पेट्रोलिंग पार्टी जो कि निरंतर पेट्रोलिंग कर रही है, इस कारण अभी तक शांतिपूर्ण ढंग से मतदान की प्रक्रिया जारी है। बिहार के नालंदा में केंद्र सरकार के द्वारा लगातार बिहार के साथ सौतेला पर रवैया अपनाने के कारण बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार विफर पड़े और केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि मोदी सरकार बिहार के मजदूरों को मरने एवं भूखे रहने को मजबूर कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि बिहार के मनरेगा मजदूरों को मात्र 1 रुपया मजदूरी बढ़ाया, जबकि अन्य राज्यों को 200 से अधिक मजदूरी देने के काम कर रहे हैं, जो गरीबों के हित के लिए काफी शर्मनाक है। मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि मोदी सरकार सिर्फ कॉरपोरेट घरानों की सरकार बनकर रह गए हैं, जबकि बिहार के मजदूरों को मरने एवं भूखे रहने को विवश कर दिया है। देखिए, बिहार के मजदूरों के साथ बड़ा भेदभाव भारत सरकार कर रही है। जो मनरेगा मजदूर है बिहार में, उनको मात्र 168 रुपया मजदूरी मिलता है और अभी हाल में ही 1 रुपया बढ़ाया गया भारत सरकार की तरफ से। ये ऊंट के मुँह में जीरा के फोरन के समान है। बिहार के मजदूर पलायन करें, बिहार के मजदूर हरियाणा चले जाएं, पंजाब चले जाएं, ये भारत सरकार की नीयत है। बिहार की जो तरक्की है, विकास है, वह अवरुद्ध हो जाए, ये भारत सरकार की नीयत है। और भारत सरकार के मंत्री जब बिहार में आते हैं तो लंबा लंबा बयान देते हैं कि 3 साल में हमने ये किया, जब हमको आज पैसे की ज़रूरत है तो मजदूरी मत में पैसा नहीं है। जब आज बिहार के विकास की ज़रूरत है, मनरेगा में काम हो रहा है, तो आज उनके पास मटेरियल के पास पैसे नहीं है। हमको प्रशासनिक मद में पैसा जो मिलता है वो भी नहीं मिल रहा। लगभग 1300 करोड़ रुपया आज भारत सरकार ने बकाया है और मनरेगा का काम बिल्कुल बिहार में प्राय ठप हो गया है। आइए बढ़ते हैं क्राइम की खबरों की ओर। बिहार में औरंगाबाद के मदनपुर में युवक की हत्या कर फेंका गया शव बरामद होने से इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस ने शव और बाइक पहरचापी के माइंस इलाके से बरामद किया है। बाद में आसपास के ग्रामीणों ने मृतक की शिनाख्त सेलवा निवासी कारू सिंह उर्फ धनंजय के रूप में की। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे मृतक के परिजनों ने साजिश के तहत हत्या कर दिए जाने का आरोप लगाया है। वही सदर SDPO मौके पर पहुंच गए हैं और घटना की जाँच की जा रही है। को लगता है कि साजिश कर करके मार के बिक दिया गया है और इसमें सब गनमैन और स्टाफ लोगों का हाथ है। ये इसलिए किया गया कि इसका भाई यहाँ काम करता है और उसको हटाया जाए। बिहार में नालंदा जिले के नूरसराय थाना क्षेत्र के छतरपुर गांव में पुलिस छापेमारी कर एक देशी राइफल बरामद किया है। इस दौरान एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। इस दौरान DSP इमरान परवेज ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि कलेंद्र यादव के घर में एक देशी राइफल को छुपा कर रखा हुआ है। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए एक को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार युवक की आपराधिक कुंडली खंगाल रही है। नहीं, ये तो अभी स्पष्ट रूप से पता नहीं चल पाया है क्यों रखता है, लेकिन पूर्व में एक घटना घटी थी, उस संदर्भ में नालंदा पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। उस छापेमारी के अनुसार गुप्त सूचना मिली कि एक अवैध हथियार जो है कि कैलेंडर यादव के घर में छुपा हुआ है। तो इस संदर्भ में जो वो अवैध हथियार को सत्यापन करने के लिए थाना अध्यक्ष को भेजा गया, तो वाकई में उसमें एक देशी हथियार बरामद। बिहार में समस्तीपुर के करफूरी ग्राम में ठेकेदार को गोली मारकर हत्या कर दिया गया और मौत के बाद सड़क जाम किया गया।
जिसकी खबर बनाने गए पत्रकार से बदसलूकी की और कैमरा और मोबाइल भी तोड़ दिया गया। लोगों के ऊपर FIR कर दिया गया है, लेकिन गिरफ्तारी नहीं होने के कारण भाकपा माले के हमले की निंदा करते हुए विरोध मार्च निकाला। कल कर्पूरी ग्राम में फोटो खींच रहे पत्रकार तरुण पर जो छायाकार हैं हमला कर दिया, उनकी हाथ चीर दिया गया, मोबाइल थूर दिया गया, कैमरा उनका फोड़ दिया गया, FIR दर्ज है। पूरे बिहार में लगातार पत्रकार छायाकार पर हमला हो रहा है, जो गरीबों का सवाल उठाते हैं, जो भ्रष्टाचार लूट के खिलाफ लिखते हैं, उन पर हमला हो रहा है। हमलावरों पर निम्न FIR दर्ज है, इसके बाद हमलावरों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। हमलावरों को गिरफ्तार करने के लिए भाकपा माले ने प्रभात रंजन गुप्ता, नथुनी शाह के नेतृत्व में ताजपुर में विरोध मार्च निकाला है, जुलूस निकाला है। जुलूस निकाल करके हम मांग करते हैं कि गरीब का सवाल, लूट का सवाल, माफिया का सवाल, भ्रष्टाचार का सवाल, सरकार की नाकामी, प्रशासन की नाकामी दिखाने वाले पत्रकार पर जो हमला हुआ है, इस हमलावरों को जेल में बंद करें। उत्तर प्रदेश में आगरा के सरोजनी नायडू मेडिकल में बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां ऑक्सीजन की कमी के कारण एक व्यक्ति की मौत हो गई है। मरीज की मौत के बाद परिजन डॉक्टरों पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। इस घटना के बाद SN मेडिकल कॉलेज के अधिकारी चुप्पी साधे हुए हैं। ताजनगरी आगरा का SN मेडिकल कॉलेज यानी सरोजनी नायडू मेडिकल नाम बड़े और काम बहुत लापरवाह भरा। जी हां, केंद्र की मोदी सरकार हो या प्रदेश की योगी सरकार, दोनों ही सरकारें आगरा के SN मेडिकल कॉलेज को सुपर स्पेशलिटी बनाने के ख्वाब जनता को दिखाते हैं, लेकिन अगर यहां की व्यवस्थाओं की बात की जाए तो मरीज का इलाज कराना यहां भगवान भरोसे ही है। ताजा मामला आज का है। विजयनगर कॉलोनी में रहने वाले अमन अपने पिता रजनीश को लेकर आज सुबह आया था। रजनीश की सुबह हालत खराब होने के बाद परिवार वालों ने उसे SN मेडिकल कॉलेज के वार्ड नंबर 10 में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था। जिस समय रजनीश को भर्ती कराया गया था उस वक्त मरीज को सांस लेने में काफी दिक्कत हो रही थी। परिवार वालों ने कई बार ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर केशव से ऑक्सीजन लगाने की गुहार की थी, लेकिन डॉक्टर के कान में जू तक नहीं रेंगी। और बाद में डॉक्टर द्वारा तीमारदार को दवाई का पर्चा थमाते हुए दवा लाने के लिए भेज दिया। इस दौरान मरीज रजनीश की तबीयत बिगड़ती जा रही थी और उसको सांस लेने में काफी दिक्कत हो रही थी। एक बार फिर रजनीश के परिवार वालों ने डॉक्टर से ऑक्सीजन लगाने के लिए कहा तो डॉक्टर केशव मरीज के परिवार वालों के साथ बदतमीजी करने लगा। वहीं मरीज की हालत जब ज्यादा बिगड़ी तो कहीं जाकर ऑक्सीजन सिलेंडर डॉक्टर द्वारा मंगवाया गया, लेकिन उसमें ऑक्सीजन नहीं थी और सिलेंडर पूरा खाली था। दूसरा सिलेंडर मंगवाया तो वो भी खाली निकला। इस तरह से 5 ऑक्सीजन सिलेंडर मरीज को लगाए गए, लेकिन ऑक्सीजन किसी भी सिलेंडर में नहीं निकली और कुछ देर बाद मरीज रजनीश की मौत हो गई। इसके बाद जब परिवार वालों ने गुस्सा जताया तो डॉक्टर ने फिर से मृतक के परिवार वालों के साथ बदतमीजी करने लगे। इस पर मृतक के परिवार वालों ने डॉक्टर की लापरवाही की शिकायत लिखित में दी तो CMO ने जांच कर दोषी के खिलाफ कार्रवाई करने का आश्वासन परिवार वालों को दिया है। छत्तीसगढ़ में जांजगीर चांपा जिले के शक्ति हॉस्पिटल में भालू घुसाया। लोगों की दहशत से वह कंपाउंड के पेड़ पर जा चढ़ा। अब ना तो भालू पेड़ से उतर रहा है और ना ही लोग हॉस्पिटल में इलाज कराने आ रहे हैं। कुछ देर के हंगामे के बाद हॉस्पिटल कैंपस को खाली करा दिया गया है और अब जो अंदर है वो बाहर नहीं आ सकते, ना बाहर से कोई अंदर जा सकता है। जिले के वन अमले की बड़ी कमी भी उजागर हो गई है। बतौर शक्ति फॉरेस्ट रेंजर जिले में वन्य जीवन रेस्क्यू करने की सुविधा ही नहीं है। इस भालू को उतारने के लिए रायपुर से टीम बुलाई गई है। लगभग 8 घंटे से भालू जिस पेड़ पर चढ़ा है उस पेड़ की हालत भालू का वजन सहने लायक नहीं है। वही वन अमला भी असहाय है। जी हाँ, पहले भी इस प्रकार से भालू आ चुका है। हमारे यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं, बहुत परेशानी होती है जिस प्रकार जानवर हमारे यहाँ आ जाते हैं, तो यहाँ मरीज भी आते हैं जिससे उनकी जान माल को खतरा हो सकता है। तो इस प्रकार फॉरेस्ट विभाग को कम से कम सचेत होना चाहिए कि हमारे इस तरफ भालू ना आए। ये चूँकि जंगल पास है और जंगल भी कम हो रहा है तो ये स्थिति बनते रही है, बीच में कभी ऐसा घटना हो जा रहा है। खाली की जीव को अलग किया जाए जिससे कि वो वाइल्ड लाइफ है, झील पे वो किसी को अटैक भी कर सकता है, भागने का जो जगह मिल जाए उसको ऐसी भीड़ हटा के प्रयास करते हैं। साथ में उच्च अधिकारी को खबर भी कर दिए हैं और रेस्क्यू टीम होता है उसके लिए वो लोग बुलवाएंगे बड़े अधिकारी लोग।
यही है। तो सबसे पहले हमारा तो भीड़ को हटाने का प्रयास चल रहा है, जिससे आइए नजर डालते हैं देश की सराफा बाजार पर। आइए नजर डालते हैं देश के चुनिंदा शहरों के मौसम के हाल पर। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप बने रहें INN24 पर। नमस्कार।